भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति की ओर से गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में दिव्य गोकथा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिंगवारी परिवार की तरफ से विशेष तौर पर उपस्थित होकर गोकथा का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद कथावाचक पूज्य श्री चंद्रकांत जी महाराज द्वारा गोकथा कर भक्तों को कृतार्थ किया गया। इस दौरान श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज और शिंगारी परिवार ने विधिवत ढंग से गो पूजन किए। सबसे पर राज्य प्रभारी राजेंद्र शिंगारी, जिला प्रभारी अजय मल्होत्रा, सीमा शिंगारी, संजीव शर्मा, ओम प्रकाश डोगरा, अमरजीत सिंह, समिता कपूर भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। और 64 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि कौन सी है, बोलो गाओ। बड़े भाग्य मानुष तन भावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ। बड़े भाग्य के मनुष्य जीवन मिलता है। अरे मां रची नहीं जाती, मां तो रचती है। वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त होती है। मां ना जन्मती है ना मरती है, मां सनातन है, शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, सदा नीला गंगा है, सृष्टि की गायत्री है। ये जो मां है ना, बैठी है माता है, ये सृष्टि की गायत्री है। मेरी मां की याद आने लगी, चाहे मैं सन्यासी हूं, प्रचार मैया 96 वर्ष में पूर्ण होके गए। मैं मोगा में था, शरीर शांत होने से 6 दिन पहले फोन आया। क्या फोन आया? चंद्रकांत कभी नहीं पाऊंगा, चंद्र 6 दिन पहले भी बात, चंद्र रोटी खाली है। क्या बात, कल्पना करो जरा, 6 दिन। और 1 दिन बाद फिर वो चारपाई से नहीं उठे, 5 दिन चारपाई तक। हम 5वें दिन पहुंच गए बरेली दीदी को साथ लेकर के।